गुरुवार को जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में डीएमओ को बगैर अनुमति के जबरन ज्ञापन देने जा रहे कार्यकर्ताओं को थाना कोतवाली के दरोगाओं द्वारा पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोके जाने और कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेसियों ने एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव से मुलाकात करके संबंधित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की, जिस पर एसपी साउथ ने मामले की जाँच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने कहा, आप इस तरह से जा रहे हैं ना, आपको सोशल डिस्टेंस में है हमारे शहर अध्यक्ष हैं और हम लोग शांतिपूर्वक धरना करने के लिए डीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे थे। आपकी पुलिस की जो भी प्रदीप सिंह और नंदलाल यादव, आप हमारे शहर अध्यक्ष को गला पकड़ नगर इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग हम लोग कर रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सर, नहीं तो हम लोग आंदोलन पर बैठेंगे, धरना देंगे, क्योंकि लोकतंत्र हमारा हथियार है। अपनी पार्टी का जब भी कोई आंदोलन होता है आपके द्वारा और भी तमाम जो अधिकारी, ये प्रदीप सिंह और नंदलाल यादव, ये लगता है कि जैसे व्यक्तिगत हम लोग कोई दुश्मन हो, हम लोग कांग्रेसी लोग ऐसे भी गांधी के अहिंसा में विश्वास करते हैं, लेकिन प्रदीप सिंह और नंदलाल यादव इससे पहले भी दो तीन बार हम लोग साथ दुश्मन कर चुके हैं। पिछली बार प्रदीप सिंह ने ऐसे धक्का दिया मैडम, प्रदीप सिंह और नंदलाल यादव के आप ये बताइए उनके खिलाफ कार्रवाई होगा कि नहीं होगा? हाँ नहीं सर, ऐसे नहीं सर, जांच नहीं, जांच क्या आपके सामने, ये गलत थोड़ी बोल रहे हैं। एक एक राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय पार्टी में महानगर अध्यक्ष हूं, आप जांच करना, आप समय से जांच करना। देखिए आज महानगर अरे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश पर हम सभी जिला और महानगर कांग्रेस जन जिलाधिकारी महोदय को, राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन देने आए थे और हम सभी लोग प्रदीप कुमार सिंह और नंदलाल यादव के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं और उनको सस्पेंशन की मांग करते हैं। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो एक बार हम सभी कांग्रेस जन इसी एसएसपी ऑफिस पर बैठ करके अनवरत आंदोलन करेंगे जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती है। महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी, जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।